हेलो फ्रेंड्स, आज मैं किचन के पांच ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगी जिन्हें आप खरीद तो लेंगे लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले इतने अमेजिंग और इतने यूज़फुल लगते हैं कि इन्हें हम झट से खरीद लेते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में कभी काम नहीं आते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसी में एक है कॉफ़ी मेकर। ये मैंने कॉफ़ी मेकर लिया था 300 रुपये का, इसे मैं अमेजन से मंगवाई थी। तो दोस्तों, जितने में आप काफ़ी नहीं पियेंगे उतने में इसमें आपका सेल खर्च हो जाएगा। एक बार जब सेल 20 रुपये का लगाएंगे तो एक कॉफ़ी ही इससे बन पाती है, उसके बाद सेल बेकार हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को ना ही खरीदे तो अच्छा है। इससे अच्छा आप कॉफ़ी छोटे बॉटल में बना सकते हैं या चम्मच की हेल्प से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है दूसरा प्रोडक्ट, ये है ब्लेंडर। ये हैंड ब्लेंडर है और इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसे एकदम ना ख़रीदें। ये प्रोडक्ट आसानी से अमेज़न पे या कहीं भी आपको सुपरमार्केट में मिल जाता है और इसकी प्राइस है 200 रुपये। तो दोस्तों, हम इसे इसलिए ख़रीदते हैं कि इससे हम लस्सी बना लेंगे या क्रीम निकाल लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो स्प्रिंग लगा रहता है बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, ये तुरंत चलाने पर ही टूट जाता है। ये एक बार टूट गया था, इसे मैंने सही करवाया है, लेकिन ये बिल्कुल बेकार पड़ा रहता है। इससे आप केवल पानी फेर सकते हैं, आप सोच सकते हैं इसका और क्या यूज़ है। इसमें ग्रिप जो दिया है वो बहुत चौड़ा दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा चीज़ आपको फेंटना रहेगा तो वो भी आप नहीं फेंट सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी एकदम बेकार है, इसे भूलकर भी ना खरीदें। अब हम तीसरा प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो ये है फर्श क्लीनर, जिसे हम पोछा लगाते हैं। तो अक्सर हम घर में ये सोच कर लेते हैं कि इससे आसानी से और बहुत जल्दी पोछा लग जाएगा। पोछा तो लग जाता है दोस्तों, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और आप इसे 2 से 3 महीने तक ही यूज करेंगे तो या तो ये इसका टूट जाएगा प्लास्टिक, और या तो इसमें जो स्पिन करने वाला होता है जिससे हम ये पोछे को धुलते हैं और ये स्पिन होता है, वो बहुत जल्दी उसमें जाम हो जाता है। शुरू में 1-2 महीने तक ये प्रोडक्ट तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब बाद में इससे जब आप पोछा लगाएंगे तो इससे कोई भी चीज़, जैसे हम हाथ से पोछा लगाते समय कुछ बाल है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको उठा लेते हैं, तो इससे ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। और इसका जो ग्रिप है वो भी ख़राब हो जाता है, ये काम नहीं करता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी आप ना ख़रीदें तो बेहतर है। इन्हें ख़रीदने के बाद घर में बेकार पड़े रहते हैं और इसे आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं, बाल्टी के तौर पे भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही बेकार प्रोडक्ट लगा मुझे, और अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसकी प्राइस है 800 रुपये, इसमें नीचे पहिया भी लगा हुआ है। अब चलते हैं चौथे प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है हमारा चौथा प्रोडक्ट, इसे मैंने मार्केट से लिया था, मार्केट यानी मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था, और इसकी प्राइस है 80 रुपीज़। तो मैंने इसे ऑयल रखने के लिए लिया था, लेकिन जब हम ऑयल डालते हैं तो इधर की तरफ से ऑयल नीचे गिरता है और पूरे फर्श पे फैल जाएगा, और इसमें से भी ऑयल निकल कर नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो ये बहुत ही बेकार प्रोडक्ट लगा मुझे, और इसका यूज़ मैं ऑयल 1-2 बार रखने के लिए की, लेकिन मैंने देखा कि इससे तो पूरा फर्श बेकार हो जा रहा है, स्लैब ख़राब हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने ऑयल की जगह इसमें अचार रख लिया है। और अब है ये पांचवा प्रोडक्ट, तो ये है चॉपिंग बोर्ड। तो जब भी आप चॉपिंग बोर्ड ख़रीदें तो इस तरह की प्लास्टिक की बिल्कुल ना लें। इसमें देखिए, जैसे ही आप इसमें सब्जियां काटेंगे चाकू के निशान पड़ जाते हैं, और ये प्लास्टिक हमारे खाने में आते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही नुकसानदेह हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें धारियां पड़ी हुई हैं। मैंने इसे
दो से तीन बार ही यूज़ किया और मैंने देखा कि इसमें तो बहुत सारे कट लग रहे हैं, जिसके प्लास्टिक भी हमारे खाने में आ जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसे भी आप न ख़रीदें, इसकी जगह आप लकड़ी का या कोई हाई क्वालिटी का अगर आता हो उसे लें। इसे मैंने 99 में ख़रीदा था और ये प्रोडक्ट मैंने 149 का लिया है। यह बहुत ही सेफ़ है क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है, इसका मैं डेली यूज़ करती हूँ और ये देखिए एकदम अभी तक क्लीन है। इसको लिए मुझे 4 महीने हो गए और ये एकदम क्लीन रहते हैं। और अगर लकड़ी के थोड़े से अंश खाने में चले भी जाएं तो वो नुकसान नहीं करते हैं, ये एकदम हार्ड वाली लकड़ी है। तो इस तरह का आप ज़रूर लें, लेकिन प्लास्टिक वाला तो दोस्तों आपके पास भी इस तरह के प्रोडक्ट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ये प्रोडक्ट्स कैसे चल रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।